good morning everyone i'm your english teacher ms. Rupam Bajpay. and in our today's class we are going to do something very important for our exam and that is the paragraph domestic animals so you have to write this paragraph as same as i have written in my copy so first of all you will write there a date and then the heading paragraph domestic animals and this paragraph of domestic animal is very important for your first periodic exam, that is why you have to learn it very carefully. Learn each and every paragraph uh, sentence of it. So now let us start. So this uh, first sentence is as you all know very well, the what are the domestic animals? Kyahute domestic animals that uh, animals which we are keeping with. आस एट आर होम्स जिसको हम अपने साथ रखते हैं कहाँ पर हमारे घर में जो एनिमल्स हम अपने साथ हमारे घर में रखते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स पैट्स सो द फर्स्ट सेंटेंस इज एनिमल्स दैट आर कैप्ट एट होम्स दैट आर कैप्ट एट होम्स जिनको कहाँ रखा गया है Homes and uh, sorry are called domestic animals. So, animals that are kept at homes are called domestic animals. Second up is animals kept by humans, kept by humans means humans. Ke द्वारा रखे गए हैं किन्हें है, किन्होंने एनिमल्स uh, को अपने साथ रखा है ह्यूमंस ने ह्यूमंस एंड हु आर द ह्यूमंस वी वी आर द ह्यूमंस लाइक यू लाइक मी लाइक योर पेरेंट्स लाइक अदर पीपल विच यू कैन सी दे आर ह्यूमंस सो ह्यूमंस एनिमल एनिमल्स कैप्ट ह्यूमंस एज अ वर्क एनिमल वट एज अ वर्क एनिमल या वर्क एनिमल मीन्स विच द एनिमल्स विच वर्क फॉर आस जो एनिमल्स हमारे लिए वर्क करते हैं लाइक विच काइंड ऑफ अ वर्क सम एनिमल वी आर यूजिंग टू एज अ कैरियर एज अ कैरियर मीन्स यहाँ से वहाँ सामान को ले जाने के लिए वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ दैम एज अरियर नाउ नेक्स्ट अप इज फूड सोर्स वट इज दिस फूडर्स एज यू ऑल नो दैट कािव्क व फेलोज ऑल्सो गिवस मिल्क गोट ऑल्सो गिवक शीप गिवस वूल शीप गिवस वूल वूल मीन्स जो उसका फर होता है दैट इज हाँ सो दीज आर फूड सोर्सिस सो आई मीन दैट एनिमल्स एनिमल्स आर द फूड सोर्सेज नेक्स्ट अप इज पैट पैट like uh, some animals we are keeping them with us for no like uses for their no uses advantage we are keeping them as a as our friend with us we are keeping them with us as a friend so those animals we call them pet as a family member we are keeping them with us like you have seen many uh, many families keep a dog a cat any parrot or any other many uh, animals they are keeping them with, their, uh, with them uh, as their family member so th those we call pet now next sentence is they do very useful jobs for our benefits they do very useful jobs for our benefit benefit means uh, like profit फिट्स मीन्स प्रॉफिट फॉर आ प्रफिट प्रॉफिट मीन्स जिसमें हमारा फायदा होता है दे आर डूइंग देट काइंड ऑफ अ जॉब वो ऐसे काम करते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट होता है एंड वॉट आर दोज लाइक यू हैव सीन ऑक्स ऑक्स मीन्स बेल दैट ऑक्स वर्कस फॉर अ प्रॉफिट रीजन एंड देर आर शीप ऑल्सो शीप गिवस वूल एंड मैनी मैनी मोर एनिमल्स विच आर डूइंग दी वर्क For our personal profit, for our personal benefits. Benefits means profit, for our good sake. So, some animals, they are doing a very good job for our benefits. Now, next up is our domestic animals are quite friendly and faithful to us. आर डोमेस्टिक एनिमल्स आर क्वाइट फ्रेंडली एफ आर आई ई एन डी एल वाई फ्रेंडली एंड फेथफुल एफ ए आई टी एच एफ यू एल फेथफुल टू एस एज यू ऑल नो दैट एज वी आर कीपिंग दैम विद आर विद अस एट आ होम जब हम किसी एनिमल को अपने साथ अपने घर में एज अ फैमिली मेम्बर रखते हैं देन दे ऑल्सो बिकम आर फ्रेंड वो हमारे साथ खेलते हैं हमारा हमारे इमोशन को समझने लगते हैं एंड दे आर वेरी फेथफुल टूवर्स आस वो हमारे लिए फेथफुल लॉयल होते हैं मतलब वो सिर्फ़ हमारे गुड सेक के लिए वर्क करते हैं हमारे इमोशन फीलिंग्स को समझने लगते हैं और हमें उस तरह से रिप्लाई भी करने लगते हैं वो हमारे लिए लॉयल होते हैं हमारे मतलब हमें कभी भी धोखा नहीं देते वो हमारे हर एक काम में यूजफुल होते हैं हमारे मोशन के साथ वेरी वेल दे कनेक्ट विद आस सो आर डोमेस्टिक एनिमल्स आर क्वाइट फ्रेंडली एंड फेथफुल फेथफुल टू अस नेक्स्ट अप इज देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स हम मतलब यहाँ पर बहुत सारे काइंड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं लाइक यू हैव सीन समर फिशिस सम आर लाइक बर्ड्स सम आर मैमल्स मैमल्स वो होते हैं जिसके लाइक फोर पैर्स फोर लेक्स होते हैं सो दोज वी कॉल मैमल्स सो यहाँ पर बहुत सारे काइंड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल बहुत सारे टाइप्स के हैं सो आई हैव टोल्ड यू वॉट आर द टाइप्स नाउ ईच डोमेस्टिक एनिमल हैज़ इट्स ओन स्पेशल यूजेज तो सभी जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उसका कुछ स्पेशल उनकी क्वालिटीज़ होती हैं उनकी एक स्पेशल पावर होती है लाइक ओनली सम एनिमल गिव अस मिल्क लाइक गाय व फेलो कोट नॉट ऑल अदर एनिमल सॉरी एनिमल्स कैन गिव अस मिल्क लाइक बर्ड्स इफ वी आर कीपिंग दैम विद अस एज एज अ पैट बट दे कैन नॉट गिव अस मिल्क वी आर कीपिंग अ डॉग और कैट दिस काइंड ऑफ एनिमल इफ़ वी आर कीपिंग विद पीपल कीप द रेबिट ऑल्सो विद दैम सो दीज आर द एनिमल विच कैन नाट गिव अस फूड असेंशियल जो हमें खाना नहीं दे सकते बट सम कैन गिव ना कुछ तो एनिमल्स हैं जो हमें दे सकते हैं सो देर आर द डिफ्रेंसिस एंड देर आर द स्पेशल पावर ऑफ सम एनिमल स्पेशल बेनिफिट्स स्पेशल यूजेज ऑफ दैम वो कुछ स्पेशल पावर के साथ हैं एनिमल्स And that they are giving to us next up is examples of domestic animals are cow buffalo sheep dog cat elephant camel parrot etc etc means etc what we pronounce this etc etc so there are the some examples of it like i have written you also when you will think, you will also get some ideas of the animals, animals idea domestic animal. You can write also them. Now next up is domestic animals are an important part of men's life. Domestic animals are an important part of men's life. When we feel something as a human being, we have some feelings so they they become the part of our feelings hum jo feel kar rahe hai, as a friend when they come in our life they also become our very friendly kind of person and they start feeling our emotion and become the important part of our life they are not just uh, giving us a uh, uh, emotional support but they are also providing us many मोर बेनिफिट्स ऑल्सो वो उसके साथ हमें ना सिर्फ हमें वो इमोशनल सपोर्ट देते हैं उसके साथ ही वो हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो हमारे लाइफ के चारों और होने वाली चीज़ों को भी कंट्रोल करते हैं लाइक इफ़ वी आर कीपिंग सम काइंड ऑफ अ एनिमल कैट सम काइंड ऑफ अ एनिमल लाइक रैविट देन in your home if there will be a small insects or maybe weed so they will अ uh, throw them away वो उन weed ओ throw उनको throw करते हैं उनको अलग करते हैं हमारे environment को clean करते हैं हमारे लिए now next up is they keep us free from worries and sadness as a human being in our life हमारे लाइफ में बहुत सारी वरीज बहुत सारी चिंताएं होती हैं जिनके बारे में हम कभी कभी सोचने लगते हैं एंड सैडनेस क्योंकि हम कभी कभी दुखी हो जाते हैं वैन योर मामा वैन योर मामा शाउट ऑन यू जब आप पे चिल्लाते हैं आपने किसी मिस्टेक के लिए देन यू बिकम सैड आप सैड हो जाते हो देन दीज फ्रेंड्स दीज पैट्स मेक्स यू हैप्पी दीज पैट्स मेक्स यू हैप्पी दे गिव यू द

वी आर नॉट जस्ट कीपिंग देम फॉर द बेनिफिट्स हमें सिर्फ उनको बेनिफिट्स के नहीं अपने बेनिफिट्स के लिए नहीं अपने पास रखना है कि वो हमें मिल्क uh, दे रहे हैं या वो हमारे घर को संभाल रहे हैं लाइक पैट लाइक डॉग दे कीप आर होम सिक्योर फ्रॉम अदर थ्रेट तो हमें सिर्फ उनको सिर्फ बेनिफिट्स के लिए नहीं रखना है कि हमारे मन में हम सिर्फ ये सोचें कि जस्ट बिकॉज दे आर गिविंग अ सम थिंग सम वेनिफेसियल सो दैट इज़ व्हाई वी आर कीपिंग देम विथ अस नो दे आर द मेंबर ऑफ आ फैमिली एंड एज वी बिहेव विथ आर पेरेंट्स विद आर अदर फैमिली मेम्बर्स दैट द सेम वी शुड बिहेव विद दैम हमें सेम उनके साथ भी बिहेव करना चाहिए नाउ यू गेट इट ऑल you understood i hope and uh, that is that you have to learn for our next exams goodbye everyone